स्टार्ट दी रन मशीन कोहली। पुत्र आओ ना मेरे पास, वो घंटे के बच्चे जो कह रहे विराट कोहली जी वो T20 वर्ल्ड कप के लिए फिट नहीं है, जगह नहीं बनती। थोड़ी पुत्र बुझा के रख दिया विराट कोहली ने। आज कौन इतना कंसिस्टेंट है? तो शाहरुख खान था, 24 बालों में 50 सबको रगड़ दिया, छक्के चौके, एंड ही वाज लुकिंग वेरी वेरी कंफर्टेबल। किसी को नहीं इसने छोड़ा, करण वरन सबको, ये ग्रीन वरीन सबके टिकट कटाए। इस टाइप ऑफ इनिंग चाहिए कि आप जल्दी जल्दी खेलें। अगली 5-6 बॉलों पे उसने इतना खास नहीं किया, 58 करके आउट हो गया। बट बड़े टाइम पे आए थे मिलर साहब, लेकिन मिलर साहब ने जो डॉट बॉलें खेली है कि उन 6 ओवर्स के गैप में 78 रन आ गए, जहां पर अपने 4 साल के IPL के करियर के इतिहास की पहली हाफ सेंचुरी पहले लगाते हैं शाहरुख खान। शाहरुख खान ने धीरे धीरे मोमेंटम पे किया, कहीं कहीं गुजरात की तरफ, फिर उस मोमेंटम को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं साईं सुदर्शन अपनी उस शानदार फिनिशिंग के साथ। मलाल रहेगा थोड़ा सा कि साईं सुदर्शन अगर पहले से 20वें ओवर तक खड़े रहे तो सेंचुरी भी अगर हो जाती तो थोड़ा बढ़िया रहता, लेकिन डेविड मिलर अगर वो आखिर में फिनिशिंग और थोड़ी ज्यादा कर देते, ये मतलब सोने पर सुहागा हो जाता। टाइटन ने बोर्ड पे लगाए हैं, साईं सुदर्शन अच्छी इनिंग खेल के गया, शाहरुख खान बहुत इंपैक्टफुल वाली इनिंग खेल के गया। और मिलर की बात करें तो ही वाज सॉर्ट ऑफ स्ट्रगलिंग, कुछ छक्का मार दिया, उल्टा उसकी रिस्पेक्टेबिलिटी आ गई उसका जो रन रेट है उस पे, वरना कोई काम फंसा हुआ ही था एंड पे। और कोई बहुत जिस तरह की एक्सेप्शनल किस्म की एक हिटिंग चाहिए एट द बैक एंड ऑफ योर इनिंग, तो खड़ा रहा। और रिजल्ट डीके ने आगे मैच फिनिश किया था, मैच इन ओवर हुआ। साईं सुदर्शन ठीक था, 34 बॉल में 50, लेकिन माजरत के साथ अगली जो कुछ बॉलें थी उन्होंने 6 बॉलों में कुछ भी नहीं किया। फिर नेक्स्ट जो 9 बॉलें हैं उसमें उन्होंने सही ठुकाई की और 24 रन बनाने में कामयाब हुए। ओवरऑल मैक्सवेल अच्छा खासा ओवर कर रहा था, उसे नहीं कराए। गेल बड़े इमोशनल, और लोग जनाब आंसू भी लोगों के। रिजवान पे तो बहुत सारे लोग कहते हैं ड्रामा करता है, डज इट मेक एनी सेंस? रिजवान हैदर हैड मेड स्कोर ऑफ अराउंड 15,000 इन 2010 या 11 या 9, या रिजवान हैदर वाज द टॉप स्कोरर ऑफ द लास्ट सीजन, and on the basis of last season entire this season should be kept aside and I should be selected on my past performances. तो फिर ये जितने पागल हैं ये जो खेल रहे हैं, फिर जब आपने पिछली परफॉर्मेंसेस नाम बड़े और नामों पे और अपनी पसंद नापसंद पे फैसले करने हैं तो रहने दे। बहरहाल आज गिल ने बड़ा मायूस किया। साहा is a big liability, big liability. साईं सुदर्शन needs up too many deliveries. आज अगर आप कहें तो शाहरुख खान था, 24 बॉलों में 50 सबको रगड़ दिया, छक्के चौके, एंड ही वाज लुकिंग वेरी वेरी कंफर्टेबल। किसी को नहीं इसने छोड़ा, करण वरन सबको, ये ग्रीन वरीन सबके टिकट कटाए। इस टाइप ऑफ इनिंग चाहिए कि आप जल्दी जल्दी खेलें। अगली 5-6 बॉलों पे उसने इतना खास नहीं किया, 58 करके आउट हो गया। बट बड़े टाइम पे आए थे मिलर साहब, लेकिन मिलर साहब ने जो डॉट बॉलें खेली है, जो मिलर साहब ने इतनी ज्यादा बॉलें कंज्यूम करके, इतनी बॉलों में रिजवान 50 होता है, 19 बॉलों में एंड पे 50 होता है, अगर मैं ज्यादा ना मांगू तो 50 होता है। और मिलर जैसा, मैक्सवेल जैसा, डीके जैसा बैट्समैन, स्काई जैसा बैट्समैन, यानी नीचे जो भी आता है, रिंकू सिंह है, रसल है, तो फाड़ देते हैं। में 78 रन आ गए, जहां पर अपने 4 साल के IPL के करियर के इतिहास की पहली हाफ सेंचुरी पहले लगाते हैं शाहरुख खान। शाहरुख खान ने धीरे धीरे मोमेंटम पे किया, कहीं कहीं गुजरात की तरफ, फिर उस मोमेंटम को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं साईं सुदर्शन अपनी उस शानदार फिनिशिंग के साथ। मलाल रहेगा थोड़ा सा कि साईं सुदर्शन अगर पहले से 20वें ओवर तक खड़े रहे तो सेंचुरी भी अगर हो जाती तो थोड़ा बढ़िया रहता, लेकिन डेविड मिलर अगर वो आखिर में फिनिशिंग और थोड़ी ज्यादा कर देते, ये मतलब सोने पर सुहागा हो जाता। लेकिन RCB की बॉलिंग भाई साहब, पावर प्ले 40 रन आपके लिए कैमरन ग्रीन वहां पर खा जाते हैं। फील्डिंग का एक स्तर हम कह सकते हैं, कैचेस वहां पर आपने साईं सुदर्शन का कैच छोड़ा, 80 बनेगा शायद, वहां पर 200 रन यहाँ पर पड़ गए सुशांत भाई। और आप जो कह रहे थे, आप क्या पलटना चाहते हैं? 6 ओवर में 43-44 दिए थे, 2 विकेट भी। शाहरुख खान जो कभी ना चलता है, वो आके उसको उसने इन्होंने ऐसे मारा बच्चों की तरह, करण शर्मा को, सारे स्पिनर्स को, इवन कैमरन ग्रीन को, लपेट के छक्के दिए उसने। 200 की स्ट्राइक रेट से ऑलमोस्ट 50 मार गया। पहला 50 है भाई 4 साल में, इस आदमी के कभी रन नहीं आते। RCB को तोड़ना था, इसने तोड़ दिया। अच्छा साईं सुदर्शन पहले इतना स्लो चल रहा था, बाद में जब मारना शुरू किया है, पूरे 200 रन की इनिंग खेल के गया। और मिलर की बात करें तो ही वाज सॉर्ट ऑफ स्ट्रगलिंग, नो बॉल जो फ्री हिट है उसमें भी कुछ नहीं लगा, करते कराते जो आखिरी गेंद पे कोई छक्का मार लिया, उल्टा रिस्पेक्टेबिलिटी आ गई उसका जो रन रेट है उस पे, वरना कोई काम फंसा हुआ ही था एंड पे। और कोई बहुत जिस तरह की एक्सेप्शनल किस्म की एक हिटिंग चाहिए एट द बैक एंड ऑफ योर इनिंग, तो वो उस तरह की नहीं मिल पा रही थी। और खैर बहुत एक्सेप्शनल हिटिंग भी नहीं हुई और ऐसा भी नहीं हुआ कि बिल्कुल भी नहीं हुई, बस दरमियानी सी रही और 200 पे जाके काम रुका है और अच्छा खेल गया ये। बाकी तो देखिए ओपनर दोनों कुछ खास नहीं करके गए। गेल अभी वर्ल्ड कप की कल परसों भी वो विक्रांत गुप्ता भाई के साथ एक इंटरव्यू में कह रहा था कि पिछले साल मैंने इतने रन किए 900 रन, तो अगर अभी भी मेरी सिलेक्शन नहीं होगी तो फिर क्या हो सकता है। बस फिर मैं बेस्ट विशेष करूंगा उनके लिए कि जो है। आपको ये प्रतिक्रिया उतना ही पसंद आया होगा जितना मुझे। आपका प्यार और समर्थन है जो इस चैनल को आगे बढ़ाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन को स्मैश करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको और ऐसे दिल को छू जाने वाले प्रतिक्रिया ला सके। अगली बार तक क्रिकेट का जज्बा जिंदा रखिए। जय हिंद और खुश रहिए।